ऑलराइट, तो कैसे मेरे सैन्य दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्ट्रा किड बू के बारे में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट इंडियन डिवेल कम्युनिटी एंड मेक श्योर टू ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड एज वेल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आपको बहुत से इंडिया के सबसे बेस्ट से बेस्ट पीवी प्लेयर्स, अगर आपको टूर्नामेंट में हेल्प चाहिए तो वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। टीम बनाने से लेकर इक्विपमेंट से लेकर सब कुछ वहां मिलेगा आपको। तो मेक श्योर आप मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलना। और चलो बात करते हैं इस वीडियो में कि भाई साहब आज क्या देखने को मिला है आपको। तो पता ही सुपर सैन 3 गोकू जो है पर्पल वाला, जो कि ये फर्स्ट ईयर के अराउंड ये आया था और बहुत ही ज़्यादा ये ब्रोकन करेक्टर था। और उसके बाद जब इसको जेंकाई मिली तो और भी ज़्यादा ब्रोकन हो गया था, क्योंकि भाई वो जी टी अलर्ट हो गया था। अगर आप जो लोग पहले से खेल रहे हैं ना गेम को, भाई उनको पता होगा कि भाई साहब की बंदा कितना ज़्यादा ब्रोकन था जब इसको जेंकाई मिली थी। जी टी का यूनिट था उस टाइम का, बहुत ज़्यादा मस्त था यूनिट। तो अब दोबारा, अब जो मैंने बताया था एक सीजन कि ये लोग चाहते हैं कि जो पुराने करेक्टर्स हैं उनको फिर से किसी तरह किसी ना किसी तरह मेटा में यूज़ करना है, तो उनको अब दिया जा रहा है यूनिक इक्विपमेंट। पहले जो यूनिक इक्विपमेंट है केवल एलएफ यूनिट को मिलता था, जब वो थोड़े पुराने हो जाते थे तो उनको किसी तरह मेटा में लाने के लिए यूनिक इक्विपमेंट दिया जाता था। तो ये नए करेक्टर को भी इक्विपमेंट यूनिक इक्विपमेंट दे रहे हैं किसी तरह के, भैया आप उसको यूज़ करो इन द मेटा। आपको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले माजिन बू जो गुड वाला है उसको भी मिला था दिन वाला, तो भाई उसको भी मिला है, बहुत ही उतना खास नहीं लगा, मतलब इतना था कि 50% तक उसका बेस स्ट्राइक अटैक ऑलमोस्ट 50% तक का उसका वो आपको उसका वो मिल गया था। तो काफ़ी 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 मतलब उसको बूस्ट मिला था स्ट्राइक में, डैमेज में। फिर भी जो मेटा भी चल रहा है ना गाइस, ये मेटा अगर आपके पास यूनिक एबिलिटीज़ नहीं है, यूनिक एबिलिटीज़ लाइक कवर चेंज नलिफिकेशन टाइप न्यूट्रल हो जाना, या फिर आप एंडोरेंस नलिफिकेशन किसी भी कार्ड से, या फिर इस तरह की एबिलिटीज अगर नहीं है, यूनिक गेज है नहीं है आपके पास, तो वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो एक अच्छा यूनिट माना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर मैं गलत हूँ। तो जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो कि माजिन बू सागा से रिलेटेड जो आखिरी था यहाँ पर उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ माजिन बू सागा का जो कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगा। आखिरी जो था वो था अल्ट्रा किड बू लाना, अल्ट्रा किड बू ज्वाइन द फाइट्स। उसके बाद आपको रेजिंग बैटल देखने को मिलेगा माजिन बू सागा का जो न्यू है, मतलब आपको 1000 CC यहाँ से देखने को मिलेगा। आपको पता है ना रेगिंग बैटल में एक ही दिन में 1000 CC ले सकते हो आप। गोल्डन शोडाउन कल जब रिसेट होगा तो कल नया गोल्डन शोडाउन आएगा, जहाँ पर आपको डबल RP और डबल रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। लेटेस्ट बैटल रॉयल आपको पता ही है कि भाई वो इस टाइम वो चल ही रहा है, लेकिन ये फिर से रिसेट होगा तो मतलब आई थिंक नया बैटल रॉयल आ सकता है मेरे ख्याल से, जहाँ हो सके कि रीजन का यूज हो सकता है मेरी। अभी तो गोको वेजिटा का चल रहा है। उसके बाद आपको देख रहे स्पार्किंग यूनिक इक्विपमेंट सुपर सैन 3 अराइव्स, आज आपको न्यूज मिली गई कि सर सुपर सैन 3 गोको को मिलने वाला है। और भाई साहब तो ये सारे इवेंट आज यहीं ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये लास्ट है, और इसके बाद से माजिन बू जो सागा का जो कैंपेन है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि भैया आप क्या मतलब समन करोगे क्या नहीं करोगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि भाई साहब समन करने से क्या मतलब है, आपको ये अगर किड बू ये चाहिए और ये बहुत ब्रोकन हुआ जैसे लाइक बीस्ट हान की तरह होता है, या फिर कैसे अल्ट्रा गोजिटा की तरह होता है, तो आई विल गो फॉर 1 रोटेशन या 2 रोटेशन देन देखा जाएगा आपकी एनिवर्सरी का। बट अगर ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो पावरफुल अपोनेंट रीजन की टीम, रीजन की तो बिल्कुल कोई टीम नहीं है अच्छी, लेकिन पावरफुल अपोनेंट पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, लाइक फ्यूचर पे यूज़ कर सकते हो विद रोजे ब्लैक गोकू जामासुन, इनके साथ यूज़ कर सकते हो राइट। अभी फ्रीजा से फोर्स एकदम बाहरी है तो वहाँ से कुछ मतलब ही नहीं है, तो इस करेक्टर का आप लाइक फ्यूचर वाली टीम पे यूज़ कर सकते हो ऐसे लीडर स्लॉट में रख के। तो देखते हैं अब कल रिवील होगा किट तो पता चलेगा, लेकिन मैं जहाँ तक बोलूँगा यार अल्ट्रा पे एनिवर्सरी से पहले समन करना ठीक नहीं है। सेव योर सीसीज फॉर एनिवर्सरी, और देखते हैं कि एनिवर्सरी में क्या नया लाते हैं लोग, क्योंकि इस बार की एनिवर्सरी मुझे लगता है कुछ ना कुछ बहुत अलग होने वाली है गाइज। तो प्लीज़ सेव योर सीसी, मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपका अकाउंट है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सीसी या फिर 20,000 के ऊपर सीसी चली गई या 15,000 के ऊपर चली गई है और एक करेक्टर बहुत अच्छा होता है तो देन गो फॉर 1 रोटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो यही बोलूँगा। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था, होप करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, जैसे मैंने बताया कोई भी प्रॉब्लम है गेम से, डाउट अभी भी आपको दिक्कत आ रही है, प्लीज़ ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल, सी या।